आपको मिल जा पाए। और ये मीटिंग ओपन रहेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए। हमारे स्टडी सेंटर के सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। तो इसकी मीटिंग की कुछ बेसिक बातें होंगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवांस आपका नहीं हैंडल हो पा रहा है, कोई इग्नू से संबंधित कोई समस्या है आपकी, तो आप मैसेज बॉक्स में या चैट बॉक्स में यहाँ लिख भी सकते हैं, हम उसको अटेंड करेंगे। या अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके आप कोई प्रॉब्लम आप हमें नोट कराएंगे। अगर वो लगता है कि हम अभी उसको सॉल्व कर पाएंगे तो अभी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नोट डाउन करके आपको इसके बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और आप ये दो चीज़ें हमें नोट कराएंगे, और आपकी प्रॉब्लम। मोबाइल नंबर बहुत नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका होगा हमारे साथ, हम उसी पे आपको कॉल करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम आपसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे बाद में। तो हाँ, आप अपना चाहे तो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे ज़रूर नोट करा सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और अपना ईमेल आईडी, और जो प्रॉब्लम है वहाँ चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा देर ना करते हुए हम सभी एक एक करके विद्यार्थियों से बोलें कि जो अपनी प्रॉब्लम, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। अगर आप हैंड रेज करेंगे तो हम हैंड रेज के हिसाब से, जो स्टूडेंट हैंड रेस करेगा उसको हम एक एक करके हम बुला लेंगे। आप सभी लोग अपने आप को एक साथ अनम्यूट मत कीजिएगा, उससे प्रॉब्लम होगी। तो आप हैंड रेस कर दें बेहतर होगा, हम हैंड रेस के हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को हम बुला लेंगे। तो अभी हैंड रेस है प्रियांशु, काफी बच्चों ने स्टार्ट करते नीचे से। श्रद्धा पांडे, श्रद्धा पांडे, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बताएं। सर, मेरा एमईजी प्रोग्राम में एनरोल हुआ है जुलाई 2021 में। तो सर, मुझे ये पूछना था कि अगर मैं इस अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म आया है या री रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म आया है, मैं इस बार एग्जाम ना दे करके दिसंबर में एग्जाम देने का सोच रही हूँ, तो क्या सर ये री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म और इसको अभी भरना पड़ेगा कि दिसंबर में भरना पड़ेगा, या जो जी एग्जाम हाँ, फॉर्म आया देखिए, था ये भरना एक अच्छा पड़ेगा? सवाल है, काफी बच्चों के दिमाग में होगा। देखिए, इग्नू में आपका जुलाई सत्र में एडमिशन है, जुलाई 2021 में। तो आप जुलाई 2022 सत्र के लिए जो री रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुआ है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप एग्जाम भले नहीं देती हैं, मेरी सलाह है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। क्योंकि तो अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिसंबर में देंगी और अभी आपने री रजिस्ट्रेशन करा लिया है जुलाई सत्र के लिए सेकेंड ईयर में, तो अगले साल जून में आप सेकेंड ईयर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप जून में सेकेंड ईयर दे पाएंगे। अगर आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं कराया और ये 6 महीने डिले हुआ आपका एडमिशन, जो कि जनवरी नेक्स्ट एडमिशन साइकिल होगी जनवरी 2023, तो अगर आप जनवरी 2023 में सेकेंड ईयर में एडमिशन कराएंगी तो आपको जा करके दिसंबर 2023 में सेकेंड ईयर का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो उससे आपका ये डिग्री पूरी 6 महीने लेट हो जाएगी। तो मेरा सलाह है कि आप अपनी अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लें, और एकाध पेपर भी अगर आप दे पाए तो बेहतर है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एमईजी के सारे पेपर, एमईजी 1 2 3 4 जितने भी है सारे दे पाए। एकाध भी तैयारी हो तो जून में, जून वाला जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा अभी जून जून के लिए, जुलाई अगस्त में हो जाएगा, उसमें दे लें। अगर एक भी नहीं दे पाती है तो चारों पेपर आप दिसंबर में भी दे सकती हैं। अदरवाइज मैं सलाह दूंगा कि आप एकाध पेपर इसमें दे दें और एकाध पेपर दिसंबर वाले में दे लें, और तब आप अगले जून में आप सेकेंड ईयर का भी दे सकते हैं। तो आप सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करा लें, वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। थैंक यू। और उसके बाद है एक्सक्यूज आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, सबके सवाल लेंगे हम लोग, एक एक करके पूछ लें। आशीष तिवारी जी, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं? मी जी, सभी को सुप्रभात। मेरे दो तीन सवाल हैं, मतलब बेसिक से। पहला मीटिंग है मेरा ये जो मैंने ज्वाइन किया आप सभी के साथ, तो मेरा ये पहला सवाल पहली तो यही था मीटिंग जिस रखी है गई ऑनलाइन ग्रीवांस की, इसके बाद हम लोग रूटीन में इसको रखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये बताएं। बहुत अच्छा होगा। पहला तो यही था कि ये जुलाई 2021 का बैच, जैसे मेरा भी एडमिशन था, तो इसका एग्जाम कब होंगे? शायद आपने आंसर कर दिया है कि जुलाई या अगस्त के बीच में एग्जाम होंगे, अगर मैं ठीक हूँ। दूसरा सवाल ये था कि असाइनमेंट जो जमा करने हैं उनकी अधिकतम डेट क्या होगी? अच्छा,
महीने की लास्ट डेट है 31 मई, अभी जो डेट है कि 31 मई से पहले आप असाइनमेंट आप अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर दें। जून का एग्जाम फॉर्म अभी नहीं आया है ऑनलाइन, अभी जल्दी ही उसको रिलीज किया जाएगा, तो वही मेरा अनुमान है कि जुलाई सेकंड हाफ से एग्जाम शायद शुरू होंगे। डेट शीट उसकी अपलोड कर दी जाएगी तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि आपके पेपर कब कब होंगे जी। और तीसरा सवाल आप पूछ जी। तीसरा सवाल ये था कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंटेंट हमें रिसीव हुआ है 4 बुक्स, और अगर उसमें बीच में कुछ समझना हो या कुछ मतलब बहुत कम ही होगा ऐसा, तो बिकॉज ये ऑनलाइन स्टडी या नहीं, काउंसलिंग क्लासेस तो हम करा रहे हैं। एमईजी की काउंसलिंग शेड्यूल है ना डॉक्टर साहब, हम अच्छा पे? जी सर, चल रही है एमईजी। एमईजी की काउंसलिंग क्लासेस हमारी आपकी हमारी वेबसाइट रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल अपलोडेड है। ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेस इसी तरीके से गूगल मीट के माध्यम से हो रही हैं, और वो आप देख लें कि एमईजी की कब काउंसलिंग है। अगर अभी नहीं शुरू हुई है तो होगी कुछ ही देर आने वाली। कुछ काउंसलिंग क्लासेस चल चुकी हैं जो है पहले ही, एमईजी की और कुछ चलनी है। हाँ, तो एक बार वेबसाइट पर आप चेक कर लें। और आपको मैसेज भी गया होगा, आपको आप कहाँ? मेरे पास कैलेंडर में इवेंट आता है, लेकिन जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता है, मतलब ये समस्या है एक्चुअली। अच्छा, उसको हम चेक करते हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम चेक करते हैं। और आप उस काउंसलिंग शेड्यूल को ध्यान में रखें और जरा उसको एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करें, हम उसको चेक करते हैं। ये आपने पॉइंट नोट कराया है डॉक्टर साहब, नोट कीजिएगा एमईजी का। जी सर, नोट कर लिया। कहता रही है, ठीक है ना? तो ठीक है आशीष तिवारी जी, हम उसको कांटेक्ट करते हैं। और आपका स्टडी सेंटर कहाँ है? यही आरसी वाराणसी। नहीं, स्टडी सेंटर ये तो रीजनल सेंटर हुआ, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, किस अध्ययन केंद्र में आपने एडमिशन लिया है? MAJY, मतलब यही मेरा प्रोग्राम कोड है और बनारस लिया है। MAJY है, MAJY है आपका, ज्योतिष? हाँ जी, ज्योतिष। हाँ नहीं, तो ज्योतिष की तो लगातार काउंसलिंग चल रही है, आप किस कहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं? गूगल मीट में सेम तरीके से जो मेरे पास कैलेंडर में लिंक आता है। नहीं नहीं, आप आरसी वाराणसी की वेबसाइट को आप दोबारा विजिट करें, वहाँ MAJY की काउंसलिंग शेड्यूल वहाँ अपलोडेड है। और 4-8 क्लासेस MAJY की हो चुकी है, 8 हो चुकी है। और आरसी वाराणसी का यूट्यूब चैनल है, मैं मुराई जी जरा आप यूट्यूब चैनल का लिंक जरा पेस्ट कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे उन 8 काउंसलिंग क्लासेस की हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वहां जाकर के जो काउंसलिंग हो चुकी है उनकी पूरी वीडियोस आप देख सकते हैं। और आने वाली 8 काउंसलिंग आज भी एक शाम को 5 बजे से 5 बजे तक MAJY की काउंसलिंग क्लास है, आप उसको जरूर अटेंड करें। MAJY की MAJY 3 जो पेपर है कोर्स कोड, उसकी काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। तो MAJY 3 और 4 आप आसानी से कर पाएंगे, आने वाली 8 क्लासेस उन्हीं दोनों की, तो आप उसको ध्यान दें। और आरसी वाराणसी की वेबसाइट पे जाके नया शेड्यूल अपलोड डाउनलोड करके इसको जरूर आप, ठीक है जी? ठीक। और अब मैं बुलाता हूँ एक मिनट, गोपाल कुमार मिश्रा। गोपाल मिश्रा जी। जी सर, प्रणाम। हाँ बताएं। सर हमारा MSK है, मतलब संस्कृत है MA, तो उसकी क्लास अभी तक नहीं चली है। हाँ, उसकी हम शुरू करा और देंगे, जी जी सर। और असाइनमेंट हमने सर 31 मार्च को ही जमा कर दिया था। फाइन। जी, उसके नंबर भी नहीं चले हैं। असाइनमेंट बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नॉर्मली असाइनमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस असाइनमेंट डेट खत्म होने के बाद शुरू होता है, तो कुछ बच्चों ने जैसे बहुत अच्छा है पहले थोड़ा जमा करा दिया है, तो आप अभी परेशान ना होंगे कि उसके मार्क्स अपलोड हों कि नहीं हों, क्योंकि जब सारे असाइनमेंट थे जब हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं हमारे स्टडी सेंटर्स पे, तो वो उसको शॉर्ट आउट करते हैं, मतलब सॉर्टिंग करते हैं उसकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्स वाइज करते हैं, और असाइनमेंट जमा इवैल्यूएट होने इवैल्यूएटर्स के पास जाते हैं और वहां से मार्क्स हम तक आते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में 2 से 2 महीने का तकरीबन टाइम लग जाता है लास्ट डेट के बाद, तो आप उसके बाद ही आप थोड़ा सा
एक्टिव होइएगा और तब आप एक बार अपना ग्रेड कार्ड ऑनलाइन चेक कीजिएगा, तब तक आपके असाइनमेंट, क्योंकि अक्सर देखा गया बच्चे जमा करते हैं और उसी के 10-15 दिन बाद इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं कि क्या हमारे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए, तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वो लास्ट डेट के बाद ही वो प्रोसेस शुरू होता है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे आपके असाइनमेंट के मार्क्स। जहां तक काउंसलिंग की बात है तो हम कोशिश करते हैं जल्दी हम एक और बात शुरू करें। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर यदि मिल जाता संस्कृत का तो हमें पता चलता कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं सर, डाउनलोड सेक्शन में, स्टूडेंट जोन में आप जाएंगे डाउनलोड सेक्शन इग्नू की वेबसाइट पर, या नहीं तो सीधे इग्नू की वेबसाइट पर सर्च ऑप्शन दिया है जी, सर्च ऑप्शन सर्च बॉक्स में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लिखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके संस्कृत के आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। संस्कृत एक नया प्रोग्राम है इग्नू का, तो एक ही आध बार इसकी परीक्षा हुई होगी, आप एक बार देख लें इसको। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर माय नेम इज सोनिया सेठ कपूर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ एमएजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सर देयर इज नो क्लास टिल नाउ फॉर इंग्लिश। नहीं एमएजी का मैंने बताया कि द क्लासेस आर बीइंग हेल्ड बाय द स्टडी सेंटर 27109 दैट इज बीएड फैकल्टी कमच्छा, एंड यू चेक द काउंसलिंग शेड्यूल एट इग्नू आरसी वाराणसी वेबसाइट, you will get the counseling schedule from there and join the online counseling classes accordingly whenever the MEG classes are scheduled there. So please visit first our CVRC website counseling. Sir, I have already checked in my IGNU site but there is no information. Let me check it again. Dr. Saab. Yes, sir. Sir, website par upload kiya gaya hai sir. एक मिनट हाँ मैं चेक करता हूँ, इसी बात में आपको कंफर्म कर देते हैं मैडम। ओके सर थैंक यू फॉर दैट। सर मैं अभिलाषा। सर व्हेन विल एग्जाम हेल्ड? द एग्जाम विल बी हेल्ड इन जुलाई अगस्त आई टोल्ड यू। द एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड शॉर्टली, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी देयर एंड आई थिंक इन नेक्स्ट वन और टू वीक्स एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड, यू विल हैव टू फिल द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट एंड द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन जुलाई अगस्त। सर व्हाट इज लास्ट डेट फॉर सबमिट? आई टोल्ड यू ना द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म हैज नॉट येट बीन रिलीज्ड, व्हेन इट विल बी रिलीज्ड द एग्जामिनेशन द लास्ट डेट विल बी मेंशनड देयर ओनली। ओके थैंक यू सो मच सर। सर मैं अभिलाषा हूँ, मास्टर्स ऑफ साइंस में एडमिशन लिया है सर मैंने फूड न्यूट्रिशन में। ठीक है सर। मेरा अभी तक कोई असाइनमेंट का नहीं आया, वो जो असाइनमेंट शो होता है वेबसाइट पे दैट इज ऑफ लास्ट इयर्स। आपका कब एडमिशन हुआ है? सर जुलाई 21 में। ना वो जरूर होगा, आप एक बार चेक करें दोबारा से। जुलाई 21 और जनवरी 22 के लिए सेम असाइनमेंट होता है, आप एक बार चेक कर लें उसको, वहां पे आप जरूर मिल पाएंगे आप उस असाइनमेंट। सेकंडली सर बुक्स कुछ आई नहीं है। तो आपने असाइनमेंट पहले लेट अस कवर द असाइनमेंट इशू फर्स्ट, आपने असाइनमेंट चेक किया है वहां पे? मैंने चेक किया था तो उसमें उन्होंने जो असाइनमेंट दिया है उसमें जो डेट पब्लिश हो रही है वो लास्ट ईयर की पब्लिश हो रही है। क्या डेट है उसमें? उसमें 21 की हो रही है। 21 नहीं होगा मैम, उसमें जुलाई 21 ही होगा। जुलाई 21। हाँ तो जुलाई 21 आपका एडमिशन साइकिल है तो जुलाई 21 का ही तो असाइनमेंट आपको जमा करना है। तो वो जुलाई 21 उसी असाइनमेंट को हमें करना है सर? हाँ उसी असाइनमेंट को करना है। Okay, जो असाइनमेंट डेट है वो आपकी एडमिशन डेट होनी चाहिए, जैसे जुलाई 21 है तो जुलाई 21 की एडमिशन साइकिल और जुलाई 21 का असाइनमेंट ही आपको जमा करना है। राइट सर। बुक्स भी हमें अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई, ई बुक के लिए मैंने मींस अप्लाई किया था और क्लासेस का सर? नहीं तो ई बुक के लिए अप्लाई किया था तो ई बुक इज अवेलेबल ऑन आरसी इग्नू वेबसाइट ई ज्ञान कोश। एमएससी फूड न्यूट्रिशन का कुछ भी अवेलेबल नहीं है सर? ऐसा हो ही नहीं सकता मैम, आप एक बार चेक कर लें, ई ज्ञान कोश पे है पूरी किताब। मैंने विजिट किया था सर उस पे मुझे, आप एमएससी फूड साइंस करके या एमएससी डीएफएस डीएफएसएम क्या एमएससी डीएफएसएम एमएससी इन डायटिक्स एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट
एमएससी डीएफएसएम करके आप उसको सर्च करें, आपको मिलेंगी किताबें वहाँ पे। इंग्लिश मीडियम में बुक्स हैं वहाँ पे, जरूर वहाँ पे सारी अवेलेबल है। एमएससी डीएफएसएम का अगर लिंक है जरा ई ज्ञान कोश में जरा डाल दीजिए। इससे रिलेटेड और कोई कम्युनिकेशन अगर अनिल ज्वाइन किए हैं, अनिल जरा एक बार ज्वाइन अनिल भी तो हेलो अच्छा अनिल अगर आप हो तो डीएफएसएम का जरा ई ज्ञान कोश का लिंक जरा चैट बॉक्स में डाल दो। हेलो और एमपॉम क्लासेस कब से चलेगी सर? यार मैंने कहा ना लेट मी फिनिश, पहले मुझे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। पहली बात एमएससी डीएफएसएम की जहां तक क्लास की बात है, जल्दी इसकी ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए असाइनमेंट आरसी वाराणसी से ई ज्ञान कोश का लिंक आ गया है, आप यहाँ पे जरा एक बार चेक कर लें ज्ञान कोश पे एमएससी डीएफएसएम का। इग्नू की वेबसाइट पर असाइनमेंट सेक्शन में जाकर के आप देख लें, असाइनमेंट का लिंक भी डाल देना है। संतोष सर मेरे पास एक मैसेज कल आया है, उसमें री रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो क्या वो हमारे लिए है सर? जी हाँ आप ही के लिए है, तो हमें फिर से री-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। री-रजिस्ट्रेशन मींस व्हाट? आप फर्स्ट ईयर में है ना? राइट सर। कब एडमिशन लिया आपने? जुलाई 2021 में। हां तो जनवरी जुलाई 2022 के लिए आपको सेकंड ईयर में एडमिशन कराना पड़ेगा ना। और इग्नू में मतलब प्रक्रिया है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी मैं उसको हैंडल कर रहा था एक स्टूडेंट को, और आपने शायद देर से ज्वाइन किया है इसलिए आपको नहीं पता चला कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले सेकंड ईयर का एडमिशन शुरू हो जाते हैं। आपको सेकंड ईयर का एग्जाम देना ही है, फॉर सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, और फर्स्ट ईयर के एग्जाम अगर आप दे पा रही हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप दिसंबर में भी दे सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लें, जिससे आपका जून 23 तक आपका सेकंड ईयर के लिए भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर आपने सेकंड ईयर का एग्जाम 6 महीने एडमिशन 6 महीने लेट कर दिया फर्स्ट ईयर का एडमिशन में जनवरी में लिया, तो आपका सेशन दिसंबर 23 में आपको एग्जाम देना होगा, तो उससे आपका 6 महीना लेट हो जाएगा, तो आप एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले लें वो बेहतर होगा। असाइनमेंट लिंक भी एमएससी डीएफएसएम का डाल दिया गया चैट बॉक्स में, आप देख लें। अनुराधा भाटिया मैडम आप पूछे। हेलो सर अपना, मेरे दो क्वेश्चन थे। जी जी सर मेरे दो क्वेश्चन थे, एक तो हमने री रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारी मेल पे अभी तक नहीं आई है। सेकंड ईयर सर हमने कराया जिस दिन शुरू हुआ उसके नेक्स्ट डे सैटरडे कराया। मैडम विल टेक टाइम, डेटा अपलोड में टाइम लगेगा। ओके एंड सेकंड जी आप रजिस्ट्रेशन में ही अच्छा कर सकती है, तो प्रोसेस तो होगा, अगर आप कर रही हैं तो हो गया है, तो कंफर्म आपको कंफर्मेशन मेल 1-2 महीने में लग जाते हैं आने। जैसे अभी एग्जाम की डेट के बारे में आपने बताया कि इट मे बी इन द मिड जुलाई और इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सर मुझे ये कंफर्म करना था कि मैं चारों पेपर मान लीजिए नहीं दे पाती हूँ और दिसंबर में मैं एक या दो पेपर देती हूँ तो वो मेरा 6 मंथ्स क्या पीछे चला जाएगा? नहीं, सेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ okay, नहीं होगा। ओके सो विल पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। हाँ वो उसका फर्स्ट का ही होगा, इसीलिए हम स्टूडेंट्स को अपने, क्योंकि हम जानते हैं काफी लोग वर्किंग होते हैं और अदर रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका वो फर्स्ट ईयर में ही काउंट। एंड सर द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द काउंसलिंग, जैसे आज हमारा एमजे वाइफ का थर्ड पेपर का काउंसलिंग हुआ लेकिन सेकंड पेपर के अभी 4 काउंसलिंग हुए हैं और स्टिल अभी उसमें बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, तो क्या इसमें भी हम विल ट्राई टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी सर, थैंक यू। हेलो सर और डॉक्टर साहब अब आप लें थोड़ा सवाल, एक फाइल आ गई मैं देख लेता हूं तब। ओके सर एक और क्वेश्चन है, सेकंड ईयर री रजिस्ट्रेशन के लिए 8 पेपर चूज करना है, 32 कोर्स के तरह कुछ दिया हुआ है एमपीएस में। इस प्रोग्राम में एमपीएस में एमपीएस में यस सर हां
आठ पेपर चूज करना होगा ना? नहीं, कितने पेपर फर्स्ट ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर में चार थे और सेकेंड ईयर में मुझे चूज करना है, तो उसमें हर के ब्रैकेट के में चार दिया, उसमें 32 लिखा हुआ है। तो देखिए ऐसा ना, जितना क्रेडिट कोर्स सेकेंड ईयर का है उतना आपको चूज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको पेपर चूज करना होता है। कितने सर? तो हर पेपर के ब्रैकेट में चार लिखा हुआ है, तो मुझे इसके उसमें उसमें लिखा होगा, उसमें आपको चूज करना होगा कौन सा पेपर आप लेना चाहती हैं, कौन नहीं लेना चाहती हैं। और जो और कुछ पेपर अनिवार्य होते हैं जिसको कि आपको लेना ही लेना है, वो आपके चूज, एक बार आप उसे कायदे से अध्ययन करें आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो rcvaranasi@ignu.ac.in पर मेल करके कर सकती हैं, ठीक है? ये प्रतिभा सिंह, मैं बता दूं आपको कि आपको आठ ही पेपर चूज करने हैं, चार चार क्रेडिट के आठ पेपर। आपको फर्स्ट ईयर के सारे पेपर कंपलसरी होते हैं और सेकेंड ईयर में इलेक्टिव होता है, आपके चॉइस पर होता है। तो जितने भी पेपर दिए हुए हैं, मेरे ख्याल में सेकेंड ईयर में जो है वो आपके पास ऑप्शंस, मतलब तकरीबन 20 के आसपास ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से आपको आठ चूज करना है। एक डिसर्टेशन होता है, वो भी ऑप्शनल है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, वो आप चाहें तो चूज करें या ना चूज करें। अगर आपने डिसर्टेशन प्रोजेक्ट चूज किया है तो डिसर्टेशन आठ क्रेडिट का होता है, उसके अलावा आपको सिर्फ 6 पेपर चूज करने होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी पेपर चूज करते हो तो आपको 8 पेपर, 4-4 क्रेडिट के 8 पेपर, उन सारे में से जैसे गांधी पॉलिटिकल थॉट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, इस तरीके के कई पेपर, उनमें से सिर्फ आपको 8 की। अभी आरसी वाराणसी की तरफ से एक फोन नंबर डाला गया है, 2 फोन नंबर इनफैक्ट टीम ने हमारी चैट बॉक्स में रखा है। जो जनरल क्वेरी है आपकी, उसके लिए आप 0542-236-8622 जो नंबर है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, 10 से 6 के बीच में। और असाइनमेंट और एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी के लिए 0542-236-9629 भी है। इस मीटिंग के बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कभी भी, तो ये नंबर हमारे वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे, अगर गेस्टेड हॉलीडे नहीं है तो एक्टिव रहते हैं। सैटरडे संडे को ये रीजनल सेंटर बंद रहता है, स्टडी सेंटर्स खुले रहते हैं, तो वहाँ भी आप ये कॉल कर सकते, यहाँ भी कॉल करके आप इन नंबर्स पे भी पूछ सकते हैं। बाकी आप सवाल, डॉक्टर संजय जी आप कंटिन्यू। हेलो सर, गुड आफ्टरनून।